बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कोरोना के पेश नज़र मुल्क की हालात आप लोगों के सामने है, लिहाजा हमारे दारुल-उलूम स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस का अजरा किया है। स्टूडेंट्स, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन वीडियोज को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। जी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 10th लेक्चर नंबर हमारे पास कौन सा है? 14। जी, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, व्हाट हैपेंस थ्रू द अट्रैक्शन ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ इंक्रीजेस। कहते हैं कि अगर आपके पास कूलम लॉ है, उसको फॉलो कर रहे हैं और दो ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है आप लोग इंक्रीज कर देते हैं, तो उनके कहते हैं कि अट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट इंक्रीज होगी, बी डिक्रीज, सी रिमेंस अनचेंज, सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी है, डिक्रीज। सेकेंड एमसीक्यूज है, द कूलम लॉ इज वैलिड फॉर चार्जेस विच आर। कहते हैं कि कूलम लॉ किन चार्जेस के लिए वैलिड है? फर्स्ट मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस, बी मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्जेस, सी स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, डी स्टेशनरी एंड लास्ट साइड चार्जेस। द ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी एंड स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। थर्ड एमसीक्यूज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डैश क्वांटिटी, वेक्टर, स्केलर, मैग्नीट्यूड और नन। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ एमसीक्यूज है, दैट्स द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, ए जॉल पर कूलम, बी न्यूटन पर कूलम, सी कूलम पर जॉल, डी न्यूटन पर कूलम। द करेक्ट ऑप्शन इज बी न्यूटन पर कूलम। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा है कि डिफाइन कूलम्स लॉ। कूलम लॉ की हमने डेफिनेशन लिखनी है पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहते हैं कि आपके पास जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किनके? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जी, आगे उन्होंने क्या डिफरेंस आपने बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर। तो पेज नंबर 78 के ऊपर सबसे पहले आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एग्जर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अनदर चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जो दूसरे चार्जेस के ऊपर उस क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। सेकंड, इसका हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखे हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया। देन आपने बताया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड राइट इट्स यूनिट। पेज नंबर 81 के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि आपने क्या किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग काम करते हैं इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से एक स्पेशल पॉइंट तक लेके आने में जो भी वक्त दरकार होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। अब उसने इसका यूनिट पूछा हुआ है, इसका यूनिट आपके पास क्या होता है, वोल्ट। इसका यूनिट आपके पास क्या होगा, यूनिट इज वोल्ट, विच इज इक्वल टू जूल पर कूलम। ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के सॉल्विंग सेशन की आपको समझ आई होगी। सी एम आने